RH blood group system. ये ABO blood group system के बाद second most important blood group system है. इस system को RH blood group एक monkey की वजह से कहा जाता है, जिसमें ये सबसे पहले discover हुआ था. इस monkey का नाम था rhesus macaque. एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जब रैबिट्स को रिसेस मंकी के रेड ब्लड सेल्स के साथ इम्यूनाइज किया गया तो रैबिट्स के ब्लड ने एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, और जब इस एंटीबॉडी को ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के साथ मिक्स किया गया तो इसने कुछ ह्यूमंस के ब्लड सेल्स को तो एग्लूटिनेट कर दिया और कुछ पे कोई इफेक्ट नहीं किया. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का ब्लड एंटी सीरम डालने से एग्लूटिनेट हो गया है, जबकि सेकंड पर्सन का ब्लड एंटी सीरम डालने के बावजूद नॉर्मल ही रहा. इन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे 1930 की दहाई में कार्ल लैंडस्टीनर और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम दरियाफ्त किया और 1940 में इसे पब्लिश किया. RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझना बहुत आसान है क्योंकि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है. RH ब्लड ग्रुप सिस्टम अभी तक डिस्कवर होने वाले सब सिस्टम्स में से मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंसिडर किया जाता है. इसमें 45 डिफरेंट एंटीजेंस इन्वॉल्व होती हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट एंटीजन डी एंटीजन है. एंटीजन डी की दो एलील्स होती हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी. कैपिटल डी इज डोमिनेंट एलील ओवर स्मॉल डी. अगर किसी इंसान में एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगी तो उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा, और अगर किसी इंसान में कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होगी यानी दोनों रिसेसिव एलील्स होंगी तो उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा. अब देखते हैं कि RH फैक्टर की बेसिस पे ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कैसे हो सकती है. RH नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों रेसिपिएंट्स को दिया जा सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव सिर्फ RH पॉजिटिव रेसिपिएंट को ही दिया जा सकता है. ये RH नेगेटिव रेसिपिएंट को नहीं दिया जा सकता. ABO ब्लड ग्रुप की तरह RH फैक्टर की वजह से भी बहुत से सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. RH फैक्टर की वजह से होने वाली सबसे सीरियस डिजीज है मदर फीटस इनकॉम्पैटिबिलिटी. इसमें मदर और फीटस का RH फैक्टर आपस में मैच नहीं करता, लेकिन अगर मदर RH पॉजिटिव हो तो इस डिजीज के होने का कोई खतरा नहीं होता. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन तमाम केसेस में मदर RH पॉजिटिव है क्योंकि मदर के पास कैपिटल डी यानी डोमिनेंट एलील है. सो नथिंग इज प्रॉब्लमेटिक हेयर. अगर मदर और फादर दोनों RH नेगेटिव हों, यानी इन दोनों में से किसी के पास भी कैपिटल डी यानी डोमिनेंट एलील ना हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम उन केसेस में है जिनमें मदर RH नेगेटिव होती है और फादर RH पॉजिटिव. सो स्टॉप हेयर, देयर इज अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि जब कोई RH नेगेटिव फीमेल RH पॉजिटिव मेल से शादी करती है तो उसकी RH पॉजिटिव बेबी कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी कंसीव करने पर मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस पर
या बेबी बर्थ के दौरान कुछ आरएच पॉजिटिव एंटीजन्स मदर में एंटर हो जाती हैं। फीटस की एंटीजन्स की वजह से मदर की बॉडी इन एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है और इनके लिए सेंसिटाइज्ड हो जाती है। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में मदर की एंटीबॉडीज आरएच पॉजिटिव फीटस पे अटैक कर देती हैं। इस डिजीज को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का नाम दिया जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की वजह से न्यूबॉर्न बेबी में लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया, जॉन्डिस और फीवर हो जाता है और बाज़ोकात न्यूबॉर्न बेबी स्वोलन होता है और उसमें एनलार्ज्ड लिवर और स्प्लीन होते हैं। बट डोंट फॉरगेट, सिर्फ आरएच पॉजिटिव चाइल्ड में ये डिजीज होगी, आरएच नेगेटिव चाइल्ड में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अगर आपका ब्लड आरएच नेगेटिव है तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस की तरक्की की वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को प्रिवेंट करने के लिए मदर में रो डी ग्लोबुलिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती।